आज की तारीख में बढ़ते कंपटीशन के साथ पैसे कमाना मुश्किल होता जा रहा है। लोग अच्छे पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। वेल, आज के इस एक्साइटिंग वीडियो में हम ऐसे ही कुछ हैरतअंगेज जॉब्स की बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन, पीपल पुशर्स। जापान टोक्यो का सिंजुकू स्टेशन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार दुनिया का सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाला ट्रेन स्टेशन है। इस स्टेशन पर कई सारे हॉल्स और एग्जिट गेट्स हैं जिनके बाहर लंबी लाइन लगती है। यहाँ प्रतिदिन कम से कम 35 लाख लोग आते हैं। इसकी वजह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भीड़भाड़ के समय यहाँ के ट्रेन में चढ़ना आसान काम नहीं होता होगा, और बस इसीलिए यहाँ पर पीपल पुशर्स होते हैं। इन लोगों को जापानी भाषा में ओशिया कहा जाता है। यदि आप कभी यहाँ के भीड़भाड़ वाले ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे तो शायद ये लोग आपको पीछे की तरफ से ढकेलते हुए दिख जाएंगे। यह चीज रैट रेस नाम की लाइफस्टाइल को एक अलग ही महत्व देती है, जहाँ लोगों को लिटरली जानवरों की तरह अंदर ढकेलना पड़ता है। जापान के लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म के एक मिनिस्टर ने साल 2018 में बताया कि यहाँ के कुछ भीड़भाड़ वाले ट्रेन लाइंस अपने लिमिट से 180 गुना ज्यादा पैसेंजर्स लेकर जाती हैं। इसलिए ऐसे दबाव और प्रेशर बनाए बिना ज्यादा से ज्यादा लोगों को अंदर नहीं भेजा जा सकता, जिसके बिना ट्रेन गेट्स बंद नहीं होंगे, ट्रेन्स आगे नहीं बढ़ेंगी और जापानीज को लेट होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पीपल पुशर्स काफी पुराने समय से जापान में चले आ रहे हैं। सबसे पहली बार इनका जिक्र साल 1964 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया था। तब इनकी संख्या सिर्फ 90 थी। पीपल पुशर का काम करने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि यह एक बेहद डिमांडिंग जॉब है जो कि कभी कभी तीव्र रूप भी ले लेता है। यहाँ पर लोग अपने जॉब पर जाने के लिए इतने ज्यादा व्याकुल होते हैं कि वे बस ट्रेन के गेट पर लटक जाते हैं। नंबर टू, प्रोफेशनल मॉर्नर्स अर्थात शोकाकुल व्यक्ति। इन लोगों को कभी कभी मॉरियोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। इनका व्यवसाय रोना होता है। जिन्हें पता होता है कि उनके दुख को बिल्कुल सच्चा कैसे दिखाएं, आप कह सकते हैं कि ये एक बेहद अच्छे एक्टर होते हैं। पर भला कोई ऐसे क्यों करेगा, मतलब प्रोफेशनल रोने वालों को किराए पर बुलाना। वेल, सदियों पहले यूरोप में ये प्रथा अपनाई जाती थी, पर आजकल ये लोग ज्यादातर चाइना और थाईलैंड जैसे देशों में पाए जाते हैं। इन्हें मृत व्यक्ति के अंतिम संस्कार में जाकर दुखी माहौल बनाना होता है। इतना ही नहीं, बड़े शहरों में तो कई सारी कंपनीज इन प्रोफेशनल रोने वालों को किराए पर देने का काम करती हैं। ये पहले मृत व्यक्ति के परिवार वालों से मिलकर उनके बैकग्राउंड की जानकारी लेते हैं, व्यक्ति की मौत कैसे हुई पूछते हैं, और फिर उस व्यक्ति से किसी न किसी तरह रिश्ता जोड़ लेते हैं। फिर वहाँ से काम पूरा होने के बाद अपने पैसे लेकर वापस चले आते हैं। एक प्रोफेशनल रोने वाले का कहना था कि ये एक बेहद कठिन जॉब है, क्योंकि इसमें आपको अच्छा एक्टर होना बहुत जरूरी है। यदि हम भारत देश की बात करें तो राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज भी रोने वाली महिलाएं पाई जाती हैं। इन्हें रुडाली कहा जाता है। नंबर थ्री, फूड टेस्टर। इस जॉब में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस खाना टेस्ट करना होता है। वेल, यदि किसी व्यक्ति को सिर्फ खाना खाने के पैसे मिले तो कितना अच्छा हो, लेकिन यहाँ पर आपको इंसानों का नहीं बल्कि कुत्तों का खाना टेस्ट करने के लिए हायर किया जाता है। जी हाँ, इस दुनिया में सच में ऐसे लोग हैं जिन्हें डॉग फूड टेस्ट करने के लिए हायर किया जाता है। एक्चुअली ये एक हाईली स्किल्ड ऑक्यूपेशन है, क्योंकि खाना टेस्ट करने वाला व्यक्ति ही पहले उस खाने को बनाता है और पूरा ध्यान रखता है कि उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। ये लोग ज्यादातर लैब में काम करते हैं और जब कभी नया फूड प्रोडक्ट बनता है तब वे खुद उसका एक हिस्सा खाकर टेस्ट करते हैं। जानवर आपको नहीं बता सकते कि खाने का स्वाद कैसा हो, सो ये काम इंसानों को करना पड़ता है। सिर्फ डॉग्स ही नहीं बल्कि ये दूसरे पालतू जानवरों के खानों को भी टेस्ट करते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो कि पालतू जानवरों के खाने को टेस्ट करने के लिए फेमस है, उसने बताया कि उसने अपने जीभ को जानवरों के खाने के स्वाद के अनुसार ट्रेंड कर लिया है। उसे पता होता है कि जानवरों को कौन से खाने का स्मेल अच्छा लगेगा और कौन सा नहीं, ताकि उनके कस्टमर्स का उनके ब्रांड में विश्वास बना रहे। नंबर फोर, टेडी बियर सर्जन्स। हम इस जॉब को शॉर्ट और सिंपल रखेंगे। यह जॉब उन लोगों के लिए है जो कि टूटे फूटे टेडी बियर्स को ठीक करने का काम करते हैं, और इन्हें टेडी बियर टेक्नीशियन कहा जाता है। यहाँ तक कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में एक पूरा टेडी बियर हॉस्पिटल है जहाँ पर टेडी बियर सर्जन्स काम करते हैं। लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा, लगता है कुछ लोगों को अपने टेडी बियर से कुछ ज्यादा ही लगाव होता है। नंबर फाइव, प्रोफेशनल स्लीपर्स। ये दुनिया का बेस्ट जॉब है उन लोगों के लिए जो बेहद आलसी हैं। फिनलैंड के एक होटल में एड लगाया गया था कि उन्हें प्रोफेशनल सोने वालों की जरूरत है,
क्योंकि वे देखना चाहते थे कि उनका बेड कितना आरामदायक है। वहीं साल 2013 में यूएस के फेमस स्पेस एजेंसी नासा ने एक एडवर्टाइजमेंट लगाया था जिसमें वे सामान्य नागरिकों को हायर कर रहे थे। इन लोगों को 70 दिनों तक बेड पर ही लेटे रहना था और बहुत ही कम मूवमेंट करना था। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? क्योंकि नासा उनके एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में एक रॉकेट में भेजती है और वे ज्यादातर समय एक छोटे से कैप्सूल में ही बिताते हैं। तो इसलिए नासा जानना चाहती थी कि इसका ह्यूमन बॉडी पर क्या असर होगा। इसके लिए वॉलंटियर्स को $18,000 पेमेंट की गई थी। डील सिर्फ इतनी थी कि आपको बेड पर ही पड़े रहना है। आप मोबाइल, टीवी और लैपटॉप सब कुछ यूज कर सकते हैं, पर आपको बेड से उठना नहीं है, यहाँ तक कि वॉशरूम जाने के लिए भी नहीं। एक सीनियर रिसर्चर ने बताया कि लगातार कुछ ना करते हुए एक जगह पर पड़े रहने से बोन और मसल एट्रॉफी हो सकती है। सो यह वॉलंटियर्स के लिए रिस्की भी हो सकता है। इस स्टडी के जरिए वे एस्ट्रोनॉट्स की स्पेस में हेल्थ मेंटेन करने में मदद कर सकते हैं। पर दोस्तों 70 दिनों के लिए $18,000 यानी कि 13 लाख रुपए एक अच्छी खासी डील थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये थे दुनिया के कुछ अजीबोगरीब जॉब्स। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन भी दबा दें। तब तक के लिए मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, और आपका कीमती समय देने के लिए शुक्रिया।